सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई व्लॉगिंग चैनल दी आयुष व्लॉग्स। आज हम जाने वाले हैं जॉर्ज एवरा स्टोरी, हमारा सेकंड ब्लॉग होने वाला है। और गाइज, मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने फर्स्ट ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया। उसमें मतलब कि उसमें एक दिन में 300 प्लस व्यूज़ हो गए थे और चैनल पर तो भयंकर की एक दिन में भयंकर 100 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे। मेरे इतना बड़ा टारगेट नहीं था, मैं सोचा था 50 60 100 व्यूज़ आ जाए अगर ब्लॉग पर तो मैं खुश हूँ। पर आप लोगों ने और आज उस पर मतलब कि 750 प्लस व्यूज़ है और अभी उसमें व्यूज जा ही रहे हैं। सो गाइज, अब हम रेडी होते हैं और हम आपको सीधा ऊपर ही मिलते हैं। अब हम आधे रास्ते तक का पहुंच चुके हैं, मतलब आधे रास्ते के अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। अभी हम यहाँ पर हमने कैंट एरिया पार कराया और अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट की जो स्टार्टिंग है। और अभी तो काफ़ी बैठता है, काफ़ी ऊपर जाना अभी हमें। सो गाइज, अगर आप लोग आते हैं ऐसी किसी पहाड़ वाली जगह में तो हमेशा अपनी साइड पर चले सबसे पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग साइड से मतलब कि यहाँ पे गाड़ियाँ मोड़ों पर इतनी तेज़ आती है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आपको उड़ा कर ले जाएगी और आप यहीं के खाई खोई पर पड़े हुए मिलोगे और आप लोगों के घर वाले आपको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। सो भाई, अभी हमको कम से कम भी 5-6 किलोमीटर और ऊपर चलना है। अभी हम डॉग स्टोरी पहुँचेंगे, डॉग स्टोरी के बाद एक डाइवर्जन आएगा, उस समय ऊपर जाना है, वहाँ से हम जॉर्ज एवरेस्ट पहुँच जाएंगे। अदरक प्याज। तो भाई, आज एक तो यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए, यहाँ पे इतनी सारी भसड़ हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से मैं इतने सारे कपड़े पहन कर आ गया, मुझे लगा बहुत ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पर, पर यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पे कि भयंकर, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई साथ चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर डर लग रहा है कहीं कोई पीछे ही चला जाए फिर। यार ब्लॉग नहीं हो रहा। सो अभी यहाँ पर ना मैंने कुछ देखा और लोग भी देखना, ऐसा लग जाए कार कूर गिर रखी होगी। पर वो कार नहीं है, वो थर्मोकोल वगैरह कुछ फेंक रखा है वहाँ के लोगों ने, के लोकल लोगों ने। और भाई, सो वैसे आज का दिन बहुत ज़्यादा सुहाना है। मंडे से हमारे पेपर और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, हमें होश ही नहीं है। मेरे को तो ही नहीं पता कि पेपर भी है। मेरे को अभी इसने बोला कि भाई हमारे मंडे से पेपर भी है, वरना मेरे को तो होश ही नहीं है। इतना पढ़ाकू है भाई, इन लोगों ने टीचर पे ट्यूशन लगाया, बोल रहे हम तो ऐसे ही पास होएंगे। सारे लगा लो क्या सर, हम जा रहे हैं। ओके बाय। तो थोड़ा सा और ऊपर चलते फिर आपको मिलते हैं, चलिए बाय। तो गाइज, अब हम दी डॉग स्टोरी से ऊपर आ गए। हम दी डॉग स्टोरी पर रुके नहीं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं चलने के लिए। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पीड नहीं बन पा रही यहाँ पर। और हम यहाँ पर आए और यहाँ का व्यू चेक करिए आप। यहाँ पर लोग भयंकर पिकनिक विकनिक कर रहे हैं आराम से, लोग वोग तो बहुत, लोग तो बहुत आ रहे हैं। वैसे आजकल तो यहाँ पर ठंड है। सो गाइस, अब हम ऊपर मिलते हैं आपको। ये आप व्यू का मजा लीजिए, व्यू बड़ा सा। क्या हुआ यहाँ पे, बंद रहा होगा, नहीं बंद रखा है यहाँ पर। सो गाइज, इस बार तो मैं जॉर्ज एवरेस्ट बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद आया हूँ। पता नहीं, मैं पूरे एक साल बाद आ रहा हूँ जॉर्ज एवरेस्ट, वरना किमाड़ी वगैरह तो मैं आया हूँ काफ़ी बार। आया किमाड़ी वगैरह, मसूरी वगैरह तो मैं काफ़ी बार चला गया। यहाँ का लोकल गांव होगा किमाड़ी से ऊपर है जो, यहाँ का नाम तो मेरे को पता नहीं वैसे, यहाँ का लोकल गांव होगा।
सो गाइस हमारे साथ वाले तो काफी आगे पहुंच चुके हैं और एक हमारे साथ वाले वो थोड़ा पीछे है, मतलब हम सेंटर में चल रहे हैं। अब डाइवर्जन आ गया मेरे ख्याल से मसूरी और जॉर्ज हार्बर्स वाला। ये चेक किया, तो भाई हमें बहुत ज्यादा देर हो गई और अभी तक हम जॉर्ज एवरेस्ट नहीं पहुंचे। तो भाई अब हम बिना कुछ बिना कहीं पे रुके हुए हम सीधा निकलते हैं, हम सीधा जॉर्ज एवरेस्ट में चल के मिलते हैं आप। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं लंबीदार माइंस, ये रही वो माइंस। गाइस पहुंच चुके हैं हम जॉर्ज एवरेस्ट पहुंच चुके हैं, जॉर्ज एवरेस्ट नहीं मतलब एवरेस्ट पे नहीं पहुंचे हम अभी फिलहाल, मेरे ख्याल से हम यहां पर अभी हम हाथी पांव पर हैं अभी हमें अब यहां से थोड़ा सा नीचे जाएंगे और उसके बाद हमारी हाइकिंग स्टार्ट होगी, फिर हम आपको हाइकिंग वाले शॉर्ट्स दिखाते हैं। तो चलिए तो गाइस फिलहाल गाड़ी वगैरह हमने खड़ी कर दी, वैसे हम दोनों अलग अलग ही आए हैं, साथ में नहीं आए, इसके पीछे कोई और था, मैं किसी और के पीछे था। तो गाइज यहाँ पे हमारा चलना हो चुका है स्टार्ट, अब हम देखते हैं मैं कितनी देर में थकता हूँ। फिलहाल वैसे यहाँ पे ठंड तो समथिंग ठीक ठीक हो ही रही है, ठंड तो यहाँ पर मतलब कि अच्छी फीलिंग आ रही है यार, बढ़िया फीलिंग आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। ये भी आया हमारे साथ, ऐसा लग रहा है कि धनोट वो आ गए हो, ऐसा लग रहा है गधा भाग रहा है ऐसा लग रहा है शिमला आ गए, शिमला आ गए हो, पक्की बात है पक्की। सो ये चेक करिया, इतनी ज्यादा शांति है यहाँ पर, मतलब लोग तो है और शांति भी अच्छी है। सो गाइस यहाँ पे स्टैमिना टेस्ट हो रहा है, हम भाग रहे हैं यहाँ पर और वो भागते भागते रुक गए, एक और भाग रहा है और मैं भी भाग रहा हूँ भाई, लग गए लोग यार, मेरे भी लग गए भाई यार। सो गाइज आफ्टर कुछ टाइम बाद इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हम थक हार कर हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, चेक करिए व्यू, चेक करिए आप, वेरी ऑसम व्यू वो देखिए आप, बहुत अच्छा व्यू है यार यहाँ पर, ज़रूर आना आप लोग एक ना एक बार तो जॉर्ज एवरेस्ट। सो गाइज अब हम भी जरा इन बेवड़ों की मतलब इन पागलों के साथ जरा नीचे को उतर रहे हैं। तो गाइस यार ये लोग बोल रहे हैं कि अब ऊपर नहीं जाना है, पर मेरा बहुत मन है यार ऊपर जाने का, आप लोगों को दिखाने का ऊपर से, वैसे ऊपर से भी यही दिखेगा, यहाँ से भी यही दिखेगा, तो यार आप इसी तरह काम चला लो ना प्लीज़। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं ऐसे ऐसी और नए नए ब्लॉग्स आपके लिए लाता रहूँगा, जल्दी लाता रहूँगा होप, और आप लोग मेरे को दबाकर सपोर्ट करना ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिले यार, और यार कमेंट कर देना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, मेरे को पता है यार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं जितना मैं
बनाना चाहता था उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, पर फिर भी यार एक लाइक बटन ठोक देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, बहुत अच्छा फील होता है यार। पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, थैंक यू उसके लिए।